वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगा यक्षा तिरामिसु। यक्षा एक विस्की का नाम है, ये देखिए मेरे पास रखा हुआ है। ये एक अमेजिंग विस्की है जहां पर सोमा को इन्फ्यूज किया गया है। अगर इसके बारे में आपको डिटेल से जानना है तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखो, आई बटन में क्लिक कर देख लीजिएगा। और उसके साथ मैं तिरामिसु सिरप को इनकॉर्पोरेट करके एक कॉकटेल बनाऊंगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए फटाफट कॉकटेल को बनाते हैं। पहले आपको एक शानदार ग्लास चाहिए और उससे पहले भी आपको देख लेना है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये रहा वो सारे इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, इस ग्लास में हम लोग देंगे क्रस्टाइज, लॉट ऑफ क्रस्टाइज। तो चलिए, मैं ऑलरेडी आइस को क्रश करके रखा था तो मैं ऐड कर दूँगा, ये देखिए। और बाद में थोड़ा सा और ऐड करूँगा, फिलहाल रहने दीजिए। अब इसमें हम लोग देंगे MTSR का, मैटू टेसर का तिरामिसु सिरप। ये मैं दूंगा ओनली 15 ml। ये काफ़ी ओवर पाउडिंग है और ये बहुत सारा फ्लेवर भी ऐड करेगा। तो जैसे तिरामिसु लगता है ना, तो आप जब ये विस्की कॉकटेल को पियेंगे तो आपको लगेगा कि आप शायद तिरामिसु खा रहे हैं। एनीवे, अभी हम लोग देंगे यक्षा विस्की को और ये देंगे हम लोग सिर्फ 45 ml। तो चलिए, ये 30 में पोर कर दिया एंड देन 15 ml और। ओके, अब ये सारा चीज देने के बाद आपको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है इस क्रस्टाइज के साथ। वाओ, क्या फैंटास्टिक सुगंध निकल रहा है, मतलब क्या ही बताओ। वो तिरामिसु का, यक्षा हुस्की का अलग ही एक कैरेक्टर रहता है, वो कैरेक्टर इसमें ऐड ऑन हुआ। अब इसमें थोड़ा सा और मुझे क्रस्टाइज देना होगा तो मैं ऐड कर रहा हूँ और थोड़ा क्रस्टाइज। बस अब ये कॉकटेल ऑलमोस्ट बन चुका है। अब इसमें आपको गार्निश देने पड़ेंगे। अब गार्निश क्या देंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि तिरामिसु हम लोग बनाए तो चॉकटेल चॉकलेट का कनेक्शन रहना चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये किटकट जो है ये मैंने जुगाड़ कर दिया। तो मैं यहाँ पर एक किटकट ऐसे डाल दूँगा। मैं थोड़ा मीठा पसंद करता हूँ तो मैं 2 डाल दूँगा और बाकी जो है मैं खा लूँगा बाद में, ठीक है ना। तो चलो इसको साइड में रखते हैं। अब फाइनल टचअप, जैसे कि तिरामिसु का फील तो आना चाहिए ना, तो आप चाहे तो छोटा सा स्कूप वनीला आइसक्रीम यहाँ पर डाल सकते हैं और मैं वैसे कुछ नहीं डालूंगा, तो चॉकलेट सॉस ऊपर से डाल दूंगा। ये इसके ऊपर थोड़ा चॉकलेट सॉस, तो ये ना कमाल के लगेंगे। बहुत सारा कैलोरी भी ऐड करेगा आप लोगों को, देगा मतलब कैलोरी ऐड करेगा। तो बन गया यक्षा तिरामिसु। अब टेस्ट की पारी, तो चलिए टेस्ट करते हैं। तिरामिसु का जो खुशबू है ना, चार चांद बना दिया है, मतलब क्या ही बताऊं। और ऊपर से यक्षा हुस्की का अलग ही किस्म का कैरेक्टर। बनाइए फ्रेंड्स, बनाइए और मुझे लिखिए कि आपको कैसा लगा। अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव।